कहते कि मेरी बहन अमेरिका में रहती है और वहाँ पता नहीं चलता कि ये गोश्त हलाल है या हराम है, तो हम अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया करें। देखें ना, अगर बिस्मिल्लाह तो वहाँ पढ़ी जाए जहाँ तहकीक न हो सकती है। अब अमेरिका में तो एक मिनट में तहकीक हो सकती है, आप एक मिनट में इंटरनेट पर मालूम कर सकती हैं कि हलाल गोश्त कहाँ बिकता है। अब तो वहाँ कई हलाल की दुकानें हैं, हलाल के होटल हैं, हलाल की चीज़ें बिकती हैं। और बाद मुसलमान ये हैं कि वो खुद बकरा खरीद के ज़िबे खुद ज़िबे करा के ले आते हैं, अपने घर में रख देते हैं। तो इसलिए ये नहीं, वो तो हालात उस वक्त हैं कि हम जंगल में गए, हमें एक शिकार मिला, अब पता नहीं ये सही हलाल हुआ था नहीं हुआ था, और हम परेशान हैं। तो वहाँ है कि चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के तो कर ला करो, ये थोड़ा है। अमेरिका में तो हर चीज़ मिलती है। कहते जी ये औरत सर का मसा कैसे करे, जैसे मर्द करते हैं और कैसे करे, उसका भी सर है, उसका भी सर है, हर व्यक्ति शुरू करेगी वापस ले आएगी। कहते हैं कि मैं जिस गांव में रहती हूँ, जब हम वहाँ जाते हैं तो रास्ते में कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में मेरी बहन की कब्र भी है। आप उसकी कब्र पे नहीं जा सकती, अल्लाह के नबी ने औरतों को मना किया। आप कब्रिस्तान से बाहर गुजरते हुए अपनी बहन के लिए दुआएं मांगती रहे। देखिए ना, उसूली बात यह है कि जब तुम दुआ मांगते हो तो मगफरत है या सवाब है ये अल्लाह पहुंचाते हैं या तुम खुद मुर्दे को पहुंचाते हो। अगर तो वाकई तुम खुद पहुंचाते हो हाथ डाल के, फिर तो कब्र पे जाओ, और अगर अल्लाह ने पहुँचाना है तो जहाँ बैठ के दुआ करते हो वो भी तो अल्लाह पहुँचा देते, फिर क्या ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी की नाफरमानी करें। من مكة حبيبي نوره سطع